नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। खबर है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया प्रमुख सुप्रीमो मायावती को लेकर। मायावती ने अब अपनी जुबान खोली है और उन्होंने ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के समर्थन में। आखिर क्यों ट्वीट किया है और इतना लेट ट्वीट क्यों किया है, सवाल कई बनते हैं जिसको लेकर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां जो पार्टी में अपनी अलग भूमिका रखते हैं, वो 2 सालों से जेल में बंद है, जिनको लेकर विवाद चल रहा है और एक अपने आप में ही राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि आखिर आजम खान इतने लंबे समय से जेल में बंद है और क्यों नहीं आ रहे। 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं और एक में जमानत मिलती है तो दूसरा दर्ज हो जाता है, जिस कारण वो जेल से बाहर नहीं आ पाते। अब ऐसे में मायावती, जो कि बसपा सुप्रीमो है, मायावती उन्होंने एक ट्वीट करके हलचल पैदा कर दी है, राजनीति तेज कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस की तरह बीजेपी गरीब, दलित, आदिवासी और मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है, उनको टारगेट कर रही है। आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं? मायावती ने ये जो बयान दिया है, बयान तो सही है लेकिन इतना लेट क्यों बयान दिया है? प्रदेश का माहौल आज से ही नहीं बल्कि कब से खराब है ये आप भी जानते हैं। पूरे देश में क्या माहौल चल रहा है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये घटनाएं ऐसी चल रही हैं और देश में क्या क्या माहौल चल रहा है। और ऐसे में मायावती का समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के समर्थन में ट्वीट करना और बीजेपी पर यह आरोप लगाना कि बीजेपी गरीब, दलित, आदिवासी, मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है, आखिर ये कितना सही है? पॉइंट उनका सही है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आखिर अब मायावती ने ऐसा क्यों बोला है और इतना लेट क्यों बोला है? क्या उनको अपना डर है? क्योंकि इससे पहले भी बातें आई हैं, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, मायावती बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थी, केवल नाम मात्र के लिए सक्रिय थी, पार्टी नहीं सक्रिय थी, नाम मात्र के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो कुछ मुखर होके बोल नहीं रही थी। कई दलों ने कहा और ये बातें भी निकल के सामने आई कि मायावती आखिर चुप क्यों हैं, तो वो इसलिए कि बीजेपी उन पर शिकंजा ना कस दे। और आजम खां पर जैसे शिकंजा कसा हुआ है और मायावती से खुद उनकी पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता खुद वो परेशान हो गए थे कि आखिर उनकी पार्टी इतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही, तो वहीं रिजल्ट आने के बाद, सरकार बनने के बाद मायावती ने भले ही ये कह दिया हो कि वो मुस्लिम जो उनके वोटर थे वो वहाँ चले गए हैं, वो पलट गए हैं, लेकिन ऐसे में इनका बयान मायावती का किस तरह से लिया जाना चाहिए ये आप देखिए। क्या मायावती को अब अपना डर सता रहा है? क्या बीजेपी जैसे अपने विरोधियों को निशाना बनाती है? ये बात मायावती ने खुद अपने ट्वीट में कही है। ये मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या क्या कहा है कि यूपी सरकार द्वारा विरोधियों पर कार्रवाई करना और 2 साल तक सपा नेता को जेल में रखना, ये न्याय का गला घोटना है। इसके अलावा उन्होंने बुलडोजर का मुद्दा भी उठाया कि कई राज्यों में बुलडोजर का डर ये पैदा कर रहे हैं, बुलडोजर का माहौल बना रहे हैं। ऐसे में समाज के लोगों पर जो उनके नाम पर ये अतिक्रमण हटा रहे हैं लेकिन ये डर बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। देश के दलित हैं, मुस्लिम हैं, गरीब हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनका रोजगार छिन रहा है, ये सब बातें मायावती ने कही हैं। तो दूसरी ओर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी इन पर अत्याचार कर रही है। किस पर? दलित पर, आदिवासी पर, मुस्लिम पर, गरीब पर। मायावती का ये बयान आखिर इतना लेट क्यों आया है? बयान उनका सही है लेकिन अब से पहले मायावती कहाँ थी? तमाम सवाल उठते हैं और मायावती को लेकर ये कहा जाता है कि मायावती बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही, जब प्रदेश में जंगल राज चल रहा था, गुंडा राज चल रहा था, प्रदेश में तमाम मुद्दे उठ रहे थे, माहौल खराब था और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वो मात्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें उसकी कड़ी निंदा करती हैं और बीजेपी पर बस आरोप लगा देती हैं। सोचने वाली बात है, हैरान कर देने वाली बात है। और अब ये आजम खां का नाम लेकर जो बीजेपी पर आरोप लगा रही है, क्या इनको अपना डर है? क्योंकि सुनने में पहले ये भी आया था कि मायावती सिर्फ केवल अपना साम्राज्य बचाने के लिए छुपें, वरना बीजेपी उन पर भी शिकंजा कस दे। बड़ी बात है और अब क्या क्या मुद्दे उठाएंगे ये देखने वाले हैं जनाब। और दूसरा मुद्दा उन्होंने ये निकल कर सामने आया कि आजम खां जो हैं वो अखिलेश यादव से नाराज़ चल रहे हैं।
क्योंकि 2 सालों से आजम खान जेल में बंद है और अखिलेश यादव केवल एक ही बार उनसे जेल में मिलने आए हैं। ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि जिस पार्टी को एक अलग छवि बनाने में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, आजम खान एक अलग ही अपने आप में एक ऐसी अहमियत रखते हैं जो समाजवादी पार्टी में सबसे अच्छे अहदे पर हैं और ऊँचे ऊँचे लोगों में इनकी गिनती होती है, और ऐसे में अखिलेश यादव का उनकी रिहाई के लिए आंदोलन ना खड़ा करना, उनकी रिहाई के लिए आवाज़ ना उठाना, ये अपने आप में ये एक राजनीति की परिभाषा अलग बना देता है और तमाम मुद्दों को खड़ा कर देता है जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि आजम खान और अखिलेश के बीच नाराज़गी चल रही है। आजम खान अखिलेश से नाराज़ चल रहे हैं केवल इसलिए कि 2 सालों से बंद, एक लंबा वक्त होता है और इस तरह का सरकार के कद्दावर नेता का यहाँ रहना, जेल में रहना सवाल खड़े करता है। और अब देखना होता है कि आखिर इस मामले में और क्या होता है, क्या मायावती अब लगातार बयानों में बनती रहेंगी, क्या वो ऐसे ही बयान देती रहेंगी कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, ऐसे ही बोलती रहेंगी, या फिर एक ट्वीट करके केवल चुप्पी साध लेती हैं, देखने वाली बात होगी। और ये भी सवाल बनता है कि आजम खान की रिहाई कब होगी, उन पर भी अब जल्दी उनकी सुनवाई होने वाली है। बीते दिन भी जब उन्हें जमानत मिली थी तो उन पर एक और नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की छापेमारी हो गई थी, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार को लताड़ा था और कहा था कि आखिर बार बार ऐसे इत्तेफाक क्यों होता है कि एक मामले में जमानत और दूसरा मामला दर्ज हो जाता है। सोचने वाली बात है और लोगों को ये समझने की बात है कि जो तमाम लोग हैं, तमाम जो जनता है जो इन्हें वोट करती है, वो किसी भी समुदाय से आते हों, SC ST OBC, कि आखिर ये नेता उनके लिए कर क्या रहे हैं, क्या ये केवल राजनीति कर रहे हैं या उनके हितों के लिए लड़ाई भी कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो मायावती बिल्कुल कट गई थी और इनके लोग इन्हीं से इसलिए अलग हो गए थे क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठानी बंद कर दी थी और अपने साम्राज्य को बचा लिया था। जनता को अब जागरूक होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर हमारा हितेशी नेता कौन है और हमारे लिए कौन आवाज़ उठाता है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और सरकारें आपका ऐसे ही दमन करती रहेंगी। राशिद अली, जनहित आवाज़।